नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जो मेरा ये अग्लोनीमा का प्लांट है, ये मैंने अभी इसको पिछली वीडियो में इसके जो नीचे के पत्ते सूखे हुए थे उनकी मैंने कटिंग कर दी थी, लेकिन अब मैंने देखा कि इसके फिर भी ये जो ये पत्ते हैं ये पीले दोबारा जो ऊपर वाले वो होने लगे। ये मेरा 3 साल पुराना प्लांट है और इसकी जो ये बीच वाला जो तना है ये मैं लेके आई थी और उसके बाद इसके ये छोटे छोटे से 4 प्लांट इसके अंदर और निकल गए हैं। तो हो सकता है इसका रूट जो है वो बॉन्ड हो गए हैं और मुझे ये इस वाले पोट में से इसको निकालना पड़ेगा। मैं इसको डिवाइड करूंगी निकाल के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें पेचकस जो मेरे पास है ये इसकी सहायता से ऐसे करके और इसको निकालने की कोशिश करी है तो ये निकल गया है इसमें से। ये देखो इसकी रूट जो है बहुत ज्यादा इस टाइम इसमें परेशानी में है। अब मैं इसको ना बीच में से ये जो दूसरे वाले प्लांट है इनको निकाल के और दूसरे वाले पोट में इनको दो जगह दो पोट में इनको लगाऊंगी। और मिट्टी मैंने इनके लिए रखी हुई है, ये मिट्टी है नॉर्मल गार्डन सोयल है, ये सैंड है और ये मैं एक 10 किलो का जो है खाद जो लेके आई हूँ जो रेट है 575 रुपये, लेकिन मैंने इसके 250 रुपये दिए हैं। ये 10 किलो का है और इसको मैं खोल के इसमें खाद अच्छे से मिलाऊंगी क्योंकि सर्दी का टाइम है और वैसे भी 2-3 दिन से बारिश हो रही है तो इसमें मैं अच्छे से खाद मिला के तभी इसको मैं लगाऊंगी। मैंने इसकी जो मिट्टी है वो हटा दी है और इसकी जड़ें देखो कितनी ज़्यादा आई हुई हैं और इसकी ये जो चिकनी मिट्टी है जो आप सबसे शुरू में प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से उसमें जो है ये चिकनी मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा। ये इसकी जल्दी से निकलती नहीं है, मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। निकल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बाल्टी में पानी में इसको रखूंगी उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगी और ज़्यादा मैं इसकी जो ये जड़ें हैं इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगी। मैंने इनको 3 जगह इनको अलग अलग निकाल दिया प्लांट को, इसमें 2 हैं इसमें भी 2 हैं और ये जो सबसे पुराना है ये 1 ही है। अब मैं इनको मिट्टी में लगा दूंगी। मैंने जो अपने ये वाला सबसे पुराना वाला जो प्लांट है मेरा ये इसी को ही इसमें मैं लगा दूंगी। अब इसमें से मैंने 3 प्लांट बना दिए हैं एक में से ही। इसमें ही मैं अच्छे से इसको लगा दिया है और मैं ये 3 पोट में अलग अलग इनको लगाऊंगी। और जो मेरे ये प्लांट थे 2 मैंने लगा दिए हैं और ये भी 2 मैं नहीं चाह रही थी लेकिन ये अपने आप इसमें से अलग हो गए तो मैं इनको भी दोनों अलग अलग पोट में लगा दूंगी। बर्थडे पे प्लांट लगाने के लिए अपने बच्चों का थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं और कोशिश करें हर साल आप केक के साथ साथ एक प्लांट मंदिर में या कहीं पे भी बच्चे से लगवाएं। एक तो उससे क्या है कि वातावरण की शुद्धि और दूसरे बच्चे को एक आदत बन जाएगी कि भाई हाँ मुझे प्लांट लगाना है। मैं तो अपने बच्चों को जब छोटे थे तभी से ही मंदिर में एक ले जाके उनको अच्छा सा प्लांट लगवा देती हूँ। दोस्तों अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और पहली बार मेरे चैनल पर अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें।